किसानों के आगे झुक गई केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री जी का क्या स्टंट रहता है, जो कि चाहे कृषि का हो, ये पूरे तरीके से जो यूपी में चुनाव हो रहा है ये स्टंटबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि तीनों काला कानून जो विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा था कि कृषि बिल जो है वो काला कानून है, और उसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र संबोधन का समय था उस वक्त उन्होंने कहा कि तीनों कृषि काला कानून जो है उसको रद्द किया जाता है, और उसके बाद से बिहार की सियासत या और लोगों की बात करें तो तमाम जगहों पर से उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। RJD और भी जो तमाम विपक्षी दल है वो इसको लेकर खुशियां मना रही है, लेकिन एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की बात करें तो तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जिस तरह से कृषि काला कानून जो है वो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लिया है, लेकिन जब तक पूरी तरीके से निरस्त नहीं किया जाता है तब तक ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, केंद्र में है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि ये एक चुनावी स्टंट है, जिस तरह से यूपी में चुनाव है तो इसको लेकर भी इस तरह की बात कह जा रहे हैं। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने आज बयान देते हुए कहा है कि पत्रकार पर जिस तरीके से बिहार में लगातार पत्रकारों की हत्या हो रही है, शराबबंदी को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा है, वहीं यूपी चुनाव को लेकर जिस तरह से कृषि कानून को निरस्त किया जाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है तो ये तेज प्रताप यादव ने चुनावी स्टंट बताया। सुनिए तेज प्रताप यादव का बयान। किसानों के आगे झुक गई केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री जी का क्या स्टंट रहता है, जो कि चाहे कृषि का हो, ये पूरे तरीके से जो यूपी में चुनाव हो रहा है ये स्टंटबाजी कर रहे हैं चुनाव को लेकर। और जो हमारे जो शहीद हुए जो किसान भाई, उनका प्राण का क्या होगा पहले इनका फैसला वो कर लें। आपने कहा कि जिन लोगों ने शहीद हुए हैं, जिन किसान भाई लोगों ने शहीद हुए हैं, उनका जान का क्या होगा पहले ये जान ले, पहले उसका जवाब दें। तो वापस लेंगे नहीं लेंगे, क्या करते हैं, ये केंद्र में है, कुछ भी कर सकते हैं। आपने ट्वीट किया है कि थूक के चाटने वाला बात, आपने कहा मोदी सरकार थूक कर चाटने की इनकी आदत है, तो बात तो सही है ना, जो चीज दिया है वो तो बात सही है। तो आप ये बोल रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है जो चुनाव आने वाले मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। तो चुनाव के लिए तो मास्टर स्ट्रोक करते हैं ये लोग, स्टंटबाजी करते हैं। क्या लगता है ये करके चुनाव जीत जाएंगे हैं? ये करके चुनाव जीत जाएंगे? अब क्या जीतेंगे क्या हारेंगे वो तो पब्लिक ना बताएगी, हम अभी से कैसे खुलासा कर दें क्या करेंगे नहीं करेंगे। मधुबनी में एक कांड हुआ जहां पर कोर्ट में झंझार जज को पीटा है, पुलिस वाले ने जज को पीटा है। देखिए यहाँ वही चीज हो रहा है, शराब तो बंद हो नहीं रहा है, पत्रकार का हत्या हो रहा है,